नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका सावंत। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरोट कार्ड रीडर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ, गोस्ट कम्युनिकेटर हूँ, जिसको स्पिरिट कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आज का टॉपिक जो है स्पिरिट्स के ऊपर है। डू गोस्ट एग्जिस्ट, मतलब मरी हुई लोगों की आत्मा एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में या नहीं, कुछ मिथ्स उनके जो है उसको भी क्लियर करूँगी। मेरे बारे में और डिटेल्स आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। भूत सच होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव भूत किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, ओके। नेगेटिव भूत जो होते हैं वो घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं हर एक के। जिनके यहाँ पर नेगेटिव आत्माएं हैं, या नेगेटिव भूत बोले हो या नेगेटिव आत्मा बोलो, वो ज़रूर अटैक करते हैं या तकलीफ़ देते हैं, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो पॉजिटिव आत्माएं होती हैं वो हमेशा आपकी फैमिली को हेल्प करती हैं। कुछ ऐसे भी आत्माएं होती हैं, ना वो हेल्प करती हैं, ना कुछ गलत करती हैं, ना किसी को तकलीफ़ देती हैं। वो सिर्फ होती हैं वहाँ पर, और किसी को उसका तकलीफ़ नहीं होता है। अभी हर एक के घर में जो हमारे पूर्वज मर जाते हैं, तब उनकी आत्मा अगर वो ज़िंदा है तभी भी वो बहुत केयरिंग लविंग अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ होते हैं। तो मरने के बाद भी उनकी आत्मा को भगवान उनको एज अ एंजल बनाता है, देता है, जैसे वो हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके, केयर कर सके, ओके। तो वो रहे, वो आत्माएं पॉजिटिव होती हैं। वो ज़िंदा थी तभी भी पॉजिटिव थी, केयरिंग लविंग थी, और मरने के बाद भी सेम रहेंगी, ओके। तो वो केयरिंग एंड पॉजिटिव होने की वजह से उनको एंजल बना दिया है, क्योंकि वो इंसान थे तभी भी बहुत ही केयरिंग लविंग थे इस वजह से, ओके। अभी जो पॉजिटिव दूसरे आत्माएं होती है वो भी हेल्प ज़रूर करती हैं। मतलब अगर आप देखोगे कुछ लोगों के मरने के बाद उनके घर में अचानक से बरकत हो जाती है, ओके। तो वो ग्रोथ, वो आत्मा ब्लेसिंग देती जाती है या ब्लेसिंग देती रहती है ताकि वो ग्रो कर सके। अब किसी किसी के घर में मौत होने के बाद किसी मेंबर के लॉसेस होने लगते हैं, ओके। इतने लॉसेस होने लगते हैं कि वो रिकवर नहीं कर पाते हैं वो, क्योंकि वो आत्मा वैसे कर्स कर देती है उस फैमिली को या प्रॉब्लम क्रिएट करती है उस फैमिली को, उस वजह से ये होता है। अभी इट्स अ डिबेटल सिचुएशन कि मतलब चर्चा का विषय है ये कि हर एक के घर में जब कोई मर जाता है तो वो आत्मा कुछ तकलीफ़ देती है, ऐसा ही होता है क्या? तो नहीं, हर एक के केस में नहीं होता है, किसी किसी के केस में होता है। वो जब तक हम लोग उस चीज़ का रीडिंग नहीं करें तब तक हम बता नहीं सकते हैं। रीडिंग करके हमें पता चलता है कि उनके प्लैनेटरीज वैसे हैं या सच्ची में कोई आत्मा का अटैक है या क्या है, वो हमें उसके बाद ही पता चलता है। नेगेटिव आत्माएं कितना हार्म कर सकती है, तो नेगेटिव आत्माएं आप लोगों के घर में क्लेश क्रिएट कर सकती हैं, झगड़े लगा सकती हैं, मौतें क्रिएट कर सकती हैं, कोई मर सकता है आपके घर में नेगेटिव आत्मा की वजह से। अटैक कैन बी एनी काइंड ऑफ, ठीक है। कुछ नेगेटिव आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो मानव शरीर ढूंढती हैं और वो मानव शरीर के अंदर एंटर करके वो फुल्ली कैप्चर कर देती हैं। उसमें भी बहुत सारे टाइप की आत्माएं होती हैं, लेकिन उसमें कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो मानव शरीर के अंदर अगर घुस गई तो आपके ऑर्गन फेलियर करके आपको मार डाल सकती है। कुछ ऐसे आत्माएं हैं जो ऑर्गन फेलियर तो नहीं करेंगी, लेकिन वो आपकी बॉडी को एज अ टूल इस्तेमाल करेगी। जो जो उनको चीज़ें करनी है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर करके वो चीज़ें करवाएंगी। जैसे एक वेजिटेरियन इंसान अचानक से नॉनवेज खाने लगेगा,
बहुत अजीब सी चीज़ें करने लगेगा जो उसका नेचुरल बिहेवियर पैटर्न नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी हैं जहाँ पर मैं वो टॉपिक कैसे समझाऊँ आप लोगों को, एक्सट्रीम लेवल पे भी अटैक्स हुए हैं, ये ऐसे केसेस हम लोगों ने हैंडल किए हैं, सजेशंस भी दिए हैं क्लाइंट को, गाइडेंस भी दिए हैं, जहाँ पर वियर्ड केसेस हुए हैं। और वो वियर्ड केसेस मतलब होता है कि जानबूझ के तो कोई आत्मा से कनेक्ट होने जाता नहीं है। ओके, तो कभी कभार ऐसे फॉर एग्जांपल देती हूँ, कोई क्लाइंट हाईवे से जा रहा है, ओके, और उसका ना लेना ना देना उस आत्मा से, लेकिन वो पास हो रहे हैं हाईवे से, और वो आत्मा वहाँ से, उसका रोज का रूटीन है क्योंकि उसकी मौत हुई थी वहाँ पर उस आत्मा की, तो वो रूटीन के हिसाब से वो वॉक कर रहा है वो आत्मा। ओके, तो उसी समय कोइंसिडेंटली वहाँ से जो बाइकर था वो वहाँ से पास हो रहा था, तो वो आत्मा कोलाइड हो गया वो बाइकर के साथ और उसको गिरा दिया। ओके, ऑब्वियसली उस बाइकर को लगा, फ्रैक्चर हुआ या डैमेज हुआ, लेकिन वो बच गए, कुछ सीवियर लेवल डैमेज नहीं हुआ। अब क्या है कि ये सब कुछ होने के बाद उनको समझा ही नहीं कि एक्सीडेंट हुआ क्यों, क्योंकि स्टेबल थे, ड्राइव बराबर से कर रहे थे, तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वो जब स्कैन किया, हम लोगों ने चेक किया, तो पता चला कि उस पाथवे में वो सोल थी जो वो पास हो रही थी, और उस समय वो कोलाइड हो गए थे, इसके लिए वो गिर गए और उनको लग गया। उसमें कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, पर हाँ वो गिरने की वजह से उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, ये एक्सपीरियंस हुआ था। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जिसमें कुछ आत्माएं बिल्कुल तकलीफ़ नहीं देती हैं, कुछ आत्माएं बहुत हेल्पफुल होती हैं। जैसे कोई घटना घटने वाली है तो वो आत्माएं आपको किसी न किसी रूप में, बोलो कि ड्रीम के थ्रू, मतलब सपने के थ्रू, या आपको ऐसे कान में आके चिल्ला के बता देंगी कि ऐसे होने वाला है, बच के रहो। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे क्लाइंट्स के साथ हो चुके हैं। वो गाइडेंस ज़रूर देते हैं आत्माएं, और हमें वो यू नो एक्सेप्ट करके वो यूज़ करने चाहिए पॉजिटिवली। मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव आत्मा का नहीं मैं बोल रही हूँ, पॉजिटिव आत्मा का बोल रही हूँ। अभी स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग, तभी स्पिरिट को तकलीफ़ नहीं देते हैं। स्पिरिट को अगर बात करनी है तो वो करते हैं, जिस स्पिरिट को बात नहीं करनी है हम फोर्सफुली उनके साथ प्लानचेट या ऐसी चीज़ें नहीं करते। कभी भी किसी ने भी प्लानचेट, ओजा बोर्ड, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ अ डोर वे फॉर अ सोल टू एंटर योर लाइफ, पर वो आत्मा वापस नहीं जाती है, वो अटक जाती है। हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो किसी भी आत्मा को उनके जोन छोड़ के हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हम उनसे उसी लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं जो उनके लेवल का है। ओके, एंड इट इज़ नॉट ईजी, गोस्ट कम्युनिकेशन इज़ रियली नॉट ईजी। ये फन लविंग के हिसाब से किसी ने नहीं ट्राई करना चाहिए। मतलब आई वुड जस्ट से कि प्रॉपर स्टडी कीजिए इसमें और फिर ये एंटर कीजिए। ये एक्साइटमेंट बहुत लगता है बहुत लोगों को, पर एक ही सजेस्ट करूँगी, प्रॉपर स्टडी करके ही एंटर कीजिएगा ये फील्ड, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। ऐसे बहुत लोग हैं जो बिना सोचे समझे फन लविंग के लिए एंटर कर देते हैं और उनकी मौतें हुई हैं गोस्ट के द्वारा, जो अनएक्सप्लेन्ड मौतें हैं। मतलब पुलिस भी उनकी मौत का कारण नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि वो आत्मा के अटैक के वजह से मरे हैं। ऑब्वियसली आत्मा का अटैक की वजह से मरे हुए हैं तो पुलिस कहाँ से ढूंढेंगी, उनको तो आइडिया ही नहीं है उस बारे में। इसके लिए हम लोग कहते हैं कि स्टडी प्रॉपर कीजिए अगर आपको इस फील्ड में एंटर करना है तो, वरना ये मजाक वाली चीज़ नहीं है, फन वाली चीज़ नहीं है।
अगर आप किसी भी आत्मा से कनेक्ट हो रहे हो स्पिरिटली कम्युनिकेशन करने के लिए, तो हम क्यों करते हैं? ओके, हम जानबूझ के तो करते नहीं हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब कम्युनिकेट करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उनकी फैमिली को वो मैसेज दे सके, उस फैमिली की आत्मा को वो आत्मा के थ्रू क्या मैसेज जाना चाहिए वो कम्युनिकेट करके हम वो फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं। अभी वो आत्मा अगर हमें चीज़ें बताती हैं तो हम फैमिली को बता सकते हैं, तो हम लोग ये ज़रूर ट्राई करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, घर में क्या इश्यूज़ है क्या नहीं है उस हिसाब से। सो स्पिरिट डू एग्जिस्ट, ओके, मतलब वो रियल है कि गोस्ट होते हैं, स्पिरिट होते हैं। और एक चीज़ है, बहुत लोगों को लगता है कि भूत सिर्फ रात को होते हैं, दिन में बिल्कुल नहीं होते, तो ये गलत परसेप्शन है। आत्माएं दिन में भी होती हैं और रात में भी होती हैं, ओके, और दिन वाली आत्माएं अच्छी होती है और रात वाली बुरी होती है, ऐसा नहीं है। दिन में भी आत्माएं अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आत्माएं रात को ही दिखती हैं, ओके। दूसरी चीज़ ये है कि आत्मा से कनेक्ट होके काम करवा सकते हैं क्या, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है ये, तो मैं सजेस्ट करूँगी नहीं। अनटिल एंड अनलेस स्पिरिट कम्युनिकेशन हम लोग जब करते हैं तब कोई आत्मा खुद सामने से बोले कि हम मेरी फैमिली को बताओ कि कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा करके या करूँगी करके, ऐसे वो आत्मा खुद बोलती है तब हम लोग वो फैमिली को बता सकते हैं। पर वो सारे आत्मा को वो पावर भगवान ने दी नहीं होती है, सो वो फैमिली को हेल्प नहीं कर सकते हैं, ओके। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, ह्यूमंस की ही आत्माएं होती हैं और एनिमल्स की नहीं, तो ये गलत है। एनिमल्स की भी आत्माएं होती हैं, ह्यूमंस की भी आत्माएं होती है, इट्स जस्ट दैट कि ह्यूमंस के आत्माओं के ऊपर बहुत रिसर्च किया गया है, प्रैक्टिस किया गया है। हम लोग, हमारे फैमिली के आत्माएं अगर हैं तो हम लोग ढूंढने जाते हैं, पता लगाने जाते हैं कि कुछ कम्युनिकेट कर सके एंड ऑल दैट। एनिमल्स का कोई करने ही नहीं जाता है ना, इसके लिए ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है उस बारे में, पर जो करवाना चाहते हैं वो करते ज़रूर है, एनिमल का कम्युनिकेशन ज़रूर होता है। अभी वो एनिमल का कम्युनिकेशन अलग टाइप का होता है, वो मतलब एग्जिस्ट ज़रूर करता है, तरीका थोड़ा सा अलग होता है पर होता ज़रूर है। उसके अलावा एनिमल्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं क्या? हाँ, एनिमल्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते ज़रूर है। अभी दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंटली है कि इवनिंग टाइम्स, ओके, रात के टाइम पे या लेट इवनिंग टाइम आफ्टर सनसेट ज़्यादा करके खौफ होता है आत्माओं का, ऐसे कहा जाता है। पर आत्माएं एक्टिव दिन में भी होती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो वैसे ही रात में भी होती हैं, पर हाँ, रात को वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, वो पावर उनको ज़्यादा स्ट्रांगली होती है, पर दिन में भी उनके पास पावर होती है। वो कौन से जोन में या कौन से वर्ल्ड में रहते हैं आत्माएं, बहुत लोग ये भी पूछते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन होता है उनको। तो हम लोग जैसे रह रहे इंसान इस धरती पर, वैसे ही आत्माएँ भी रहती हैं। तो वो अपने घर में, जो आत्मा मरती है तो वो अपने ही घर में रहती है ज़्यादा करके। अब जो आत्माएं रास्ते पे मरी हैं तो वो उधर ही अटक जाती हैं, कोई हॉस्पिटल में मर जाता है तो वो उधर अटक जाता है। हर एक आत्मा का अलग होता है, ठीक है। उसके अलावा हर एक आत्मा को मुक्ति मिलती है क्या? तो नहीं, हर एक आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। हाँ, हालांकि सब लोग मुक्ति मोक्ष पाने के लिए, सेल्वेशन पाने के लिए पूजा या प्रार्थनाएं या ये सारी चीज़ें करते ज़रूर हैं, लेकिन सबको मुक्ति नहीं मिलती है। मोक्ष मिलना, मुक्ति मिलना, वो सब भगवान के हाथ में है, ओके। इंसान कितना भी अच्छा कर्म करे तो भी उसको मुक्ति मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। तो आत्माएं कितने सालों तक ज़िंदा रह सकती है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है।
तो आत्माएं तो वैसे ना 10,000 साल भी जिंदा है, लाखों भी साल जिंदा है, उनको मोक्ष नहीं मिला है। ओके, ऐसे भी आत्माएं हैं, एग्जिस्ट करती हैं, और वो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं है जिंदा, वो अटक गई हैं, उनको मोक्ष का रास्ता नहीं मिला है। तो वो अभी क्यों नहीं मिला है? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनको मोक्ष मिले, सो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अब क्या होता है कि हम जब स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं, तो कोई आत्मा अगर बोले कि मैं अटक गई हूँ या अटक गया हूँ, तुम प्लीज़ मुझे मदद कीजिए रास्ता मिलाने के लिए या बाहर निकलने के लिए, तो हम लोग प्रेयर ज़रूर करते भगवान से कि इसको मुक्ति दे दीजिए करके। अब वो भगवान के हाथ में है कि उनको मुक्ति देना है कि नहीं, पर हम हमारा प्रेयर ज़रूर करते हैं। ये था कुछ क्वेश्चनस जो मैंने जवाब दिए स्पिरिट के बारे में, गोस्ट के बारे में, भूत के बारे में। जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है लोगों को उस बारे में। और एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, सारे आत्माएं नॉन वेज नहीं खाती है। ओके, कुछ आत्माएं वेज भी होती है, नॉन वेज भी होती है। ऐसे नहीं कि जो मूवीज़ में या पिक्चर्स में, मूवीज़ में या सीरियल्स में दिखाया जाता है कि आत्माएं नॉन वेज ही खाती है एंड ऑल दैट अटैक करते हैं, तो ऐसे नहीं है। सारे आत्माएं का नहीं होता है वो, कुछ आत्माओं का ऐसे होता है जो नॉन वेज के ऊपर अटैक करते हैं एंड ऑल दैट खाने के लिए, पर सब आत्माएं वैसे नहीं होती हैं। ओके, और आत्माएं जहाँ पर मंदिर है वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं क्या? तो नहीं, मंदिर जहाँ पर जिस रूम में है वहाँ पर आत्माएं नहीं रह सकती है। वो एनर्जी जोन जो होता है वहाँ पर एंटर नहीं करती, पर हाँ पॉजिटिव अगर आत्मा है तो वो एंटर कर सकती है। मंदिर का एरिया भी वो एंटर कर सकती है, क्योंकि वो हार्मलेस होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, भगवान ने उनको ब्लेसिंग दिया होता है, तो वो एंटर कर सकती हैं। नेगेटिव आत्माएं नहीं एंटर कर सकती है मंदिर का जोन जो होता है वहाँ पर। घर में भी जो मंदिर होता है उस एरिया में नहीं एंटर कर सकती, पर उसके आसपास के रूम्स में ज़रूर एंटर कर सकती हैं। ओके, ये चीज़ और एक क्लियर करनी थी। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।